हेलो गाइस, ऑप्टिकल बेसिस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि बाइफोकल लेंस में आप कैसे एक्सिस लगाएं। तो इसके लिए मुझे सिलिंड्रिकल वाला बाइफोकल लेंस चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू कर दे। तो गाइस, पहले आपको क्या करना है, एक बाइफोकल लेंस ले लेना है। ये आप देख सकते हैं -2 सिलेंडर वाला बाइफोकल लेंस है, एडिशन 2.50, एक्सिस है 90, इधर लिखा रहता है। तो एक्सिस आप कैसे लगा सकते हो वही मैं दिखाने वाला हूँ। तो पहले आपको ये एक्सिस, ये न्यूट्रल पॉइंट निकालना है ये सिलिंड्रिकल पावर का। आप देख सकते हैं बाइफोकल लेंस ऐसे होता है, ये नियर विजन के लिए होता है, ये वाला ऊपर का हिस्सा ये डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो पहले आपको एक्सिस लगाने के लिए पहले तो पावर चेक कर लेना है कितना है, और तो इसको न्यूट्रल करने के लिए ये आपको +2 वाला ट्रायल लेंस ले लेना है। तो आपको ये जो एरिया है, ठीक है, ये दूर का एरिया ऐसे रखना है, ठीक है, ये इसी पॉइंट में रखना है। फिर आपको ऐसे रोटेट करके देखना है ये ट्रायल लेंस को 90 एंगल में, मतलब लिखा रहता है, तो ये एरिया में न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा आपको। अब देख सकते न्यूट्रल हो गया है। तो ये जो एरिया है, हाँ, आप ये मार्क देख रहे हो, ये वाला न्यूट्रल करने के बाद वैसा ही रखना है। फिर ये जो एरिया है आपको ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है, ये हो गया मार्किंग। अभी ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, इसी को ही अभी एक्सिस करना है। अब एक्सिस मार्किंग करने के लिए ये एक्सिस मार्किंग चार्ट आपको चाहिए। फिर ये लेंस आप देख सकते हो, ये जो मार्किंग किया है मैंने, इसको ऐसे बराबर आप 90 एंगल में आपको रेडी मिल जाएगा मार्केट में, माइनस जो पावर रहता है 90 एंगल में आपको रेडी मिल जाता है। तो अभी 90 डिग्री एंगल में आपको एक्सिस लगाना है, ठीक है, तो ऐसे 90 डिग्री एंगल में रखना है बराबर। आप देख सकते हैं ये इधर 90 डिग्री एंगल आप देख सकते हैं, वो मार्किंग को भी ऐसे एरिया में रखना है, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन एकदम रखना है डॉट जो मैंने दिया है। तो अभी क्या करना है, 180 का ऊपर मार्क कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये 180 का लंबा लाइन आप देख सकते हो, इसके ऊपर आपको लाइन लगा देना है। मैं इतना अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। ये 180 का जो मैंने लाइन लगाया, अभी ऐसे डेमो के हिसाब से मैं मार्किंग करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये फ्रेम है, आप देख सकते हैं ये 180 का लाइन मैंने लगा दिया है फ्रेम के डेमो के ऊपर। तो आप ये लाइन कैसे लगा सकते हैं, मैंने पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इसको अभी कैसे मार्किंग करना है, आपको ऐसे पहले डेमो को निकलना है। फिर ये जो 180 का लाइन मैंने लगाया लेंस के ऊपर, ये बराबर ये लाइन के ऊपर रखना है। और अभी आपको एडजस्ट कर लेना है बाइफोकल लेंस कितना रखना है मून को, ठीक है, इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो कि बाइफोकल लेंस आप कैसे मार्किंग कर सकते हो, तो उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। अभी ये एक्सिस मार्किंग का वीडियो है, तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सब दिखाने जाऊंगा। तो अभी ऐसे 180 का लाइन के ऊपर बराबर रखना है, मतलब ये मून का हाइट आपको देख लेना है। फिर लाइन एकदम सीधा होना चाहिए 180 का, ठीक है, फिर मार्क कर देना है आपको। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और स्पेक्ट्रल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं।